सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना विशाल सरगम देशों विदेशों के विच वसदे पंजाबी भैन भराओ, आप सब नूं पता ही आ मुद्दा बहुत गंभीर है और गंभीर मुद्दे ते अज गल करन लगे आ। साडे वीर अणखी योधे कौम दे नाल अड़न वाले, खड़न वाले ते लड़न वाले, टाइम आउण ते मरन वाले, जिहड़ा साडा वीर गुरिंदर सिंह रंगरेटा साहब, अज बहुत सारे लोग उहनूं गलत कह रहे आ, बहुत सारे लोग उहनूं सही कह रहे आ, लेकिन मेरे अनुसार और साड़ी सोच के अनुसार डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा एक ऐसा शेर आ जिहड़ा ना किसी को दबदा तो ना किसी को दबूगा, तो उन्होंने दबाने की कोशिश भी ना की जाए, क्योंकि वह गरीबा मजदूर तो मजलूम की आवाज़ आ, उन्होंने किसी ने दबाना नहीं तो ना ही वह दबूगी आवाज़, सच कभी भी दबदा नहीं गा। सो कुछ एक खास वर्ग आ जिहड़ा स्पैशली इस गल के उत्ते बड़ा जोर दे रहा कि वह माफ़ी मंगे, वह साडे कोलों दब जाए या माफ़ी मंग ले। क्यों माफ़ी मंगे? भी तुहाडे को तुहाडे बंदे रोज़ जुल्म करते, तुहाडे बंदे रोज़ तशद्दुद करते आ, और सिद्धू सॉरी डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा तुहाडी शिद्दत दा सुदाया सताया होया बंदा, तुहाडी तशद्दुद है ना जिहड़ी उहदा सताया होया बंदा, वह अपने मूँह दे विच्चों दसदा कि मैं एक सीरी दा पुत्तर हाँ, मेरी माँ ने लोगों के घर दे विच कम करके मैनू पालिया, तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहब की बदौलत, उन्होंने संविधान की बदौलत मैं अज एक डॉक्टर हाँ। यार वो तो खुल के दसता, पर तुहाडी गंदी मानसिकता, तुहाडी घटिया सोच जिहड़ी वो सामने आ रही है कि तुसी गरीब परिवार सीरी परिवार के जिहड़ियां धीआं भैणां होंदियां उन्हां दे नाल की करदे हो। एक चामचड़िक जी दी मूँह वाला बंदा जिहदी आई डी मेरे ख्याल दे विच आ मंजिले खालिस्तानी, उन्हें वेखो मैं तुहानूं मूँह काला कर लूँगा, मैं की मूँह काला कर लूँगा, तुहाडे तां पहला ही मूँह काले आ, तुहाडियां कुड़ियां वेखो विदेशां दे विच जाके वह काले काले बंदे विह कराई जांदियां, और तुसीं आपणियां धीआं भैणां दे नाल विह करा के भैणां दे नाल कुड़ियां दे नाल विह करवा के विदेशां दे विच जांदे, तुहाडे मूँह पहलां ही काले आ, तुहाडे करन दी लोड़ ही कोई नहीं। तुसीं उहदी माँ बारे कह रहे हो गलत, तो तुसीं उहदी कुड़ी बारे गलत कह रहे हो। एक एजुकेटड परिवार आ, पढ़िया लिखा परिवार, उंगली ना चक्को उहनां दे उत्ते, जे दामा ना ते प्राउणे दी हिक च वज्जो फिर पता लगे, फिर तुसीं वार वार कहिंदे दसो कित्थे आईए, दसो कित्थे आईए, जे आउणा ना कितें एक टीवी चैनल का इंतजाम करो, साडे सारे इतिहासकार आउंदे आ, साडे सारे बोलण वाले आउंदे आ, तुहाडी इतिहास का पता लगे, तुहाडी कुरबानी का पता लगे, और तुसीं काबज होकर बैठे हो सिखी दे उत्ते, कब्जाधारी हो, कब्जा करके तुसीं बैठे हो, असीं वारस हाँ सिखी दे, अज असीं बोले हाँ तो तुहानूं बड़ा कौड़ा लगा, गुरिंदर सिंह रंगरेटे का एक एक लफज़, गुरिंदर सिंह रंगरेटे का एक एक वर्ड आ ना जिहड़ा वह काबिले तारीफ आ, वह कौम का ऐसा अणखी योधा आ जिन्हें तुहाडा तशद्दुद सहा आ, पर आने वाली पीढ़ियां नूं यह दसदा गुलाम हो के ना रह जाओ कितें। बेनती है मेरी ऐसी कम्यूनिटी के अगे, जिनी भी ऐसी कम्यूनिटी है, मजहबी सिख रंगरेटे, रविदासीय सिख, वाल्मीकि समाज, बाजीगर समाज, होर जिन्नियां भी ऐसी कास्टा आउंदियां, सारे ही हंबला मार के डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटे दे नाल खड़े हो जाओ, वह तुहाडियां गुलामी दियां जंजीरां तोड़न वास्ते आया, पर जे अज तुसीं उहदे नाल खड़े ना होए तो नतीजा बहुत माड़ा निकलूगा, क्योंकि आने वाले टाइम के जिहड़े खाली शैतानिए आ ना, खालिस्तान लभदे फिरदे, जिहड़े ये खालिस्तान नहीं लभदे, ये जट्टस्तान लभदे फिरदे आ, इन्हां नूं जट्टस्तान चाहिए, इन्हां दे आ चवल जे कलाकार आ जिन्हां दे नाम दे नाल सिंह दा वैसे नहीं कदी लगा, बब्बू मान, कदी तां तुसीं कहिंदे सी चमकीला बहुत माड़ा, चमकीला बहुत माड़े गीत गाउंदा, लच्चर गीत गाउंदा, ते चमकीले नूं तुसीं मारता, ते अज तुहाडा हरेक जिहड़ा नवां जम्मण डिया ना चमकीले दे गाने गाउण डिया, ते बब्बू मान तुहाडा गाउण डिया ना, चोरी चोरी जट्टी चमकीला सुणदी, जट्टी कौन हुंदी आ, तुहाडी कुड़ी आ कोई जट्टी जिहड़ी चमकीला सुणदी, क्यों सुणदी चमकीला, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜੱਟ 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 ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੰਨੂ ਜਿਹਨੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ उन्हें मजहबी सब तो नीवा विखाया, तुसी उहदी सोच ते पहरा देण डे जो, अज साडे नाल जिहड़े वितकरे हुंदे उह तुहाडे बंदे उहदे ते क्यों नहीं बोलदे, सानू गुरद्वारां दे विच नहीं बण दित्ता जांदा, गुरद्वारां दे विच मते पाए जांदे आ, बाटे तुसी अमृत ते दो दो करते, सिक्खी दा तुसी घाण करके रखता, सिक्खी सिधांतां दा
उदों तो नहीं तुहाडा बंदा कोई बोलता जो अमरीक बाजवा कुत्ता भौंकदा बाहरले मुल्क दे विचों जो आप एक लागे जे पिंड दमदमा सरसे दे उत्थों एक आवाज़ दित्ती जांदी है कि दलित परिवार के जिहड़े हरिजन परिवार के बच्चे आ वह पार्क के आन गुरद्वारे की पार्क बनाई उस पार्क के आन बाई प्रूफ गल्लां करदे असीं ते सच कहने असीं इस सिक्खी के वारस साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब का खून आ सी होर ना सताओ सानू। डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा साहब ने पता नहीं किन्ने डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटे पैदा कर जाने ये ना सोचो तुहाडे को माफ़ी मांग लूगा तुहाडे को दब जूगा वह मजहबी सिखा का अणखी पुत्र आ सिर दे के सरदारी लैण वाली कौम आ सी निरे इश्क दे तंद नहीं पाए असी असी चरखड़ियां ते भी चढ़े हुए हाँ सिर दे के जिथे मिले दाखला असी उन्हां स्कूलों में पढ़े हुए हाँ लोग चना दे अंदर ने पैर धर दे चबड़ो असी लहू अंदर लाइया तारियां ने सानू एवें नहीं लोकी सरदार कहिंदे सिर दे के लईया सरदारियां ने सिर दे के लईया सरदारियां ने असी सिर दे के सरदारी लैण वाली कौम आ क्योंकि जदों चांदनी चौंक दिल्ली दे विच 9 साल की उम्र दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों एक आवाज दिती सी ना जौ तो प्रेम खेलन को चाओ सिर धर तली गली मोरी आओ इत मार्ग पैर तरी जा सिर दीजै काना कीजै जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब जी ने 9 साल की उम्र के आवाज़ दिती सी ना ये उदों मजहबी सिख खलोते सी अगे हो के साडे पुरख साडी कौम दे रहिबर धन धन अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी महाराज साहब जी ने हाथ जोड़ के सेवा मंगी सी ते दिल्ली दे चांदनी चौंक दे विचों अपने पिता का सीस उत्थे रख के साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साहब जी का सीस लैके आए थे सिर दे के सरदारी लई है ना तुहाडे तरह अयाश राजे नूं भूआ दे के जमीना नहीं बनाईया साडी चार चुकां दे विच एक भी कोई गदारी विखा दो इस हिंदुस्तान के बदले इस भारत देश के बदले तो इस हिंदू धर्म के बदले जिन्नियां मजहबी सिखां ने कुरबानियां दित्तियां ना गिणदे गिणदे 365 दिन भी थोड़े पै जाएंगे तो जिन्नियां तुहाडियां गदारियां ना जे गिण लापीए तो चार युग भी घट पै जाएंगे जिथे भी लोड़ पई तुसीं चड्डियां च पूछ दे के भज्जे जो आनंदपुर साहब तुसीं गूठे लाला भज्जे जो डल्ले बराड़ नूं जाणदे जो ना तुहाडा वारसी आओ मुक्तसर साहब की धरती ते जदों लोड़ पई सी ना बंदूक की गोली परखण की तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब जी ने कहा सामने खलो डल्या कहिंदा मेरा हौसला नहीं पैंदा ते सामने कौन खलोते सी ये गल्लां कदी क्यों नहीं प्रमोट करते तुसीं सामने मजहबी सिख खलोते सीगे कौन साहिब श्री बाबा वीर सिंह जी ते बाबा धीर सिंह जी छाती ताण के खलो गए सी ते ताड़ ताड़ गोलियां चलदियां सी अगों परे नहीं सी होए उदों खून विच उठूगा उबाल पई चेहरे उत्ते उदों आऊ रंग लाल पई अज तक सहया नहीं सी जुलम अगे ना कदे सहिंदे रहणगे रंगरेटिया च जदों तक अणख रहूगी पंगे पैंदे रहणगे जदों तक साढ़े च अणख जागती है ना पंगे इतना ही पैंदे रहणगे तुसीं कब्जाधारी लोक हो तुसीं असीं वारसा सिखी दे तां तुसीं कब्जाधारी लोक हो जदों एक पठिया की पंड बदले साडियां धीआं भैणां दा तुसीं देह शोषण करदे हुंदे जो जदों साडियां धीआं भैणां नूं तुसीं गलत बोलदे हो उदों तुहाडा बंदा नहीं कोई बोलदा क्यों तुहानू दंगणा पै जांदियां मूँह च छोले पै जांदे हो तुहाडे जे अज गुरिंदर सिंह रंगरेटा मजहबी सिख कौम का बब्बर शेर पुत्र दहाड़िया तो तुहाडी नींद हराम करती उहने हुण तुसीं बड़े बुड़क बुड़के भमकड़ा तरह बाहर निकलदे जो तुसीं सिर्फ सिर दे उत्ते पग्गां बन्नियां गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नहीं मन्निया नहीं तो सरबजीत सिंह धुंदा साहिब बोलदे आ उहनां नूं वी कदी सुण के वेखो ते मैं साढ़े असी समाज अगे वार वार बेनती करदा अज जरूरत हैगी डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा साहब नाल खड़न की तो जिन्हें भी साढ़े प्रचारक आ चाहे वह साढ़े ज्ञानी मनदीप सिंह जी विद्यार्थी साहब होण चाहे साढ़े जथेदार बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी ननकाणा साहब वाले होण तो चाहे गुरिंदर सिंह रंगरेटा हो सारिया संभालण की लोड़ आ साढ़े प्रचारकों तो साढ़े प्रचारकों के नाल खड़न की लोड़ आ जे ना खलोते तो आने वाली पीढ़ी का बहुत बुरा हशर हो जाऊगा आने वाले टाइम के तुहाडे लोकां तो इन्होंने दोबारा गोहे के टोकरे चकवा देने आ जिहड़े साडे लंडी बुची चक्की फिरदे ना नाल साडे बोल जिहड़े चक्की फिरदे आ चारक असी मजहबी सिखां जी असी उहदा बाइकाट करदे उह तुहाडा बाइकाट इन्हां ने कीता होया जिहड़ा तुहानूं किराए दे भाड़े दे टट्टू लई फिरदे तुहानूं इस गल का पता नहीं गा
भी तुम कि बदौलत हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बदौलत खलोते हो, नहीं तो सिर के उत्ते पग बननी तो दूर की गल, तो इन्होंने वेहड़िया बढ़न की मनाही सी, ये जो शूदर जट चक्की फिरते ना, तो ये सिर्फ तुम मतलब वास्ते चक्की फिरते, ना समझो कि साडा नौ मास का रिश्ता। सब तो नेड़े जट सिख बरादरी के सब तो नेड़े मजहबी सिख रहा है, तो मजहबी सिख को सब तो माड़े नाम जिहड़े दिते आ ना वो इन्होंने दिते, तुसीं दिते। सो हाथ जोड़ के बेनती है वार वार, समझ जो सुधर जो, तो डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंघरेटा साहब के नाल खड़ जो, तो राजस्थान मजहबी सिख महासभा भी मेरी अपील आ पुरजोर हाथ जोड़ के भी वीरो डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंघरेटा साहब के नाल खड़ो, उहदे हक दे विच वीडियो पाओ। तो डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंघरेटा साहब एक खुल के गल कह देना तुहानू, मैं किते जरूरत पै जे किते लोड़ पै जे ना अगे, तो असीं इन्हां लोकां वास्ते जिहड़ियां कुरबानियां दित्तियां, एक जोड़ी आ टायरां दी, एक कुरबानियां साडियां ने गल बण गई गैरां दी, साडियां कुरबानियां ते राज करन दे, पर जदों वी तुहानू लोड़ पै जे पूरी ऐसी कम्यूनिटी तुहाडे नाल खड़ी आ, एक तण के खड़ी आ, मील पत्थर बन के खड़ी आ, भावें शहीदियां पाउणियां पै जाण पिछे नहीं हटदे असीं तुहाडे नाल। सो बहुत सारियां गल्लां होर वी करन वालियां, साडे पंथ दे महान रागी पद्म श्री निर्मल सिंह जी खालसा साहब उन्होंने चरणों के असीस झुकदा। नुसरत फतेह अली खां साहब 29 राग आते थे, उन्होंने 31 राग आते, पर इन्होंने जात अभिमानियों ने जात हंकारियों ने आ डले की कौम ने उन्हों का कदर नहीं किया, लास्ट टाइम तो उन्होंने संस्कार भी नहीं होने दिता। वह उदों तुम कितने गए थे चवलो, उदो क्यों नहीं बोले तुम कहें जो सिद्धू मूसेवाले माड़ा बोलता, तुम कहें जो दीप सिद्धू नूं माड़ा बोलता, उन्हें साडे शंता नूं माड़ा बोलता। और यार दीप सिद्धू की देना दसो, वैलेंटाइन डे मना अमरीका की कुड़ी के नाल गड्डी दे विच एक्सीडेंट करवा के वह मर गया, तुसीं उहनूं शहीद कही जाते जो, तो शहीदां नूं तां कदे तुसीं शहीद कहा नहीं। सिद्धू मूसेवाले की गल करदे, सिद्धू मूसेवाले की कोई देन नहीं कलाकारी इंडस्ट्री दे विच। इक्को गल कहूँगा, बहुत अफसोस आ और बहुत अफसोस रहूगा कि वह माँ प्यो का कला कला पुत्र सी, और जिहड़ा मारिया उहनू उहदे वास्ते हमेशा ही अफसोस जाहिर करते रहांगे। उन्हें पंजाब का तो पंजाबीयत का नाम उच्चा किया वास्ते, पर जे रूहानीयत की गल करो ना, कलाकारी एक रूहानीयत आ। कलाकारी ये नहीं कहती हथियार प्रमोट करो, कलाकारी ये नहीं कहती कि दुश्मनियाँ प्रमोट करो, साडा चलदा आ धक्का असी तां करदे। कलाकारी ये नहीं कहती कि गैंगस्टर प्रमोट करो, अगो तुसी समझदार हो, जिहड़ा कुछ प्रमोट किया जो बीजे वह पाया। की माड़ा कहता गुरिंदर सिंह रंघरेटे ने सिद्धू मूसेवाले नूं, उहदा सिवा फोलता, तो तुसी उहदी मां दा सिवा नहीं फोलिया, तुसी उहदी मां बारे की बोल रहे हो। शवल जमाने दे तुहानूं चाहीदा सी बाह फड़ के सानूं नाल लैके तुरना, कोई चार कमेटी दे विच तुहाडे मैंबर हुंदे, कोई चार साडे हुंदे, और तुसी तां सानूं गुरद्वारे चों वड़ना मना किया। गुरिंदर सिंह रंघरेटा जिंदाबाद है, गुरिंदर सिंह रंघरेटा जिंदाबाद सी, और गुरिंदर सिंह रंघरेटा जिंदाबाद रहूगा। जिदे च दावा प्रौहने दे विच वज के कहो, जथेबंदियां नूं बेनतियां ना करो कि फलानी जथेबंदी साढ़े हक के आए, और गुरिंदर सिंह रंघरेटे यार ताड़ियां लत्तां कंबदियां उत्थे जांदे आ, जाओ खा प्रौहने की हिक च वजो, तुहानूं पता लगे। सिरे दे डरपोक तुसीं हमेशा चड्डियां च पूछ लैके भज्जे, आनंदपुर साहब तुसीं गूठे ला ला भज आयो, तुसीं तू साडा गुरु नहीं, असीं तेरे सिख नहीं, तुसीं सिखी दे वारस कहिंदे अपने आप नूं, ते जिहड़े सिखी दे वारस आ गुरु के बेटे आ। सानूं 9 साल की उम्र के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब जी ने हेकड़ा ला के गुरु के बेटे कहा, रंघरेटे गुरु के बेटे, ते तुसीं गुरु के बेटे नूं गुरु के बेटे मनदे नहीं। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने मजहबी सिख कोई जात नहीं सी बनाई, उन्होंने रेगुलेशन पाई सी, पर तुसी उस गल नूं मन्निया नहीं, तुसी तां मन्नू दी सोच ते पहरा दित्ता। जिस तरह सानू ब्राह्मणवादी लोग ब्राह्मण लोग सानू नीवा कहिंदे रहे, उवें तुसी कही जांदे। अज गुरद्वारां दे विच वितकरे कर रहे ना कोई, साडे नाल कोई नहीं कर रहा, जट बरादरी कर रही है। आ बाबा एक तुहाडा पुछो मंडी दा, वह कहिंदा मैनूं सुपना आया 60 साल की उम्र च मेरा ब्याह हो गया, शर्म नहीं आउंदी इहो जिही गल कहिंदे, ते अगे तुहाडे जट्टां दीआं बुढ़ियां बैठियां हसी जांदियां
साडा तो उन्हें बाहर बोर्ड लेके ला रखे भी कोई नीवी जात का बंदा इतने वड़े ना तो जो लंगर चलता उदो आवाज देंगे भी नीवी जात का बंदा इतने लंगर ना छके और तुम लंगर च वंटियां पाती बाबे नानक के लंगर दियाँ लख लानता तुहानू ते लख लानता तुहानू सिख कमाउंदियां सारी ऐसी समाज अगे मेरी बेनती है डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा हक सच की आवाज़ चुकन वाला डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा गरीबा मजदूरा मजलूमा की आवाज़ चुकन वाला बंदा कभी तुसी उन्हूं आरएसएस का बंदा कहिंदे जो कभी तुसी उहदे नाल कोई नाम जोड़ते जो और जिहड़ा हक सच की आवाज चके उन्हूं तुसी कोई ना कोई पुट्ठा नाम देंदे जो ते तुहाडी एक गल होर आ तुसी जिहड़ा कोई मर्जी आवाज़ चुके माफ़ी मंगे क्यों माफ़ी मंगे भी तुहाडे को की लगते हो तुसी इहो ही है ना भी तुसी गुरुद्वारे ते कब्जे करके बैठे हो सरसे वाले साहब को नहीं माफ़ी मंगाई तुसी अंदरों माफ़ी देके भेजती क्यों माफ़ी मंगे तुहाडे को कृष्ण जी का नाम किन्नी वारी आउंदा गुरबाणी दे विच दसो कट कढ दो बाहर कढ दो पर जे तुहाडा बस चले तुसी बाहर कढ दो तुहाडा बस नहीं चलता जिथे इतिहास तुहाडे हाथ चढ़िया सी ना तुसी उस इतिहास दे विच अपने सोले गाए आ बाकी तुहाडा लैणा देणा कोई नहीं सिक्खी दे विच ते इतिहास दे विच उह सारा दुध दा दुध ते पाणी दा पाणी हो गया ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕੀਤਾ तो तुहानू साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब जी ने बख्शना नहीं तो गुरिंदर सिंह रंगरेटा साहब ने एक ऐसी फौज तैयार करती है एक ऐसी दहाड़ मारती है तुहाडा जिहड़ा अंत होना ना 800 साल मुगलों ने राज किया जो अंत होया उन्हां दी जड़ पुट्टी गई सी तो गुरिंदर सिंह रंगरेटा जड़ पुट के रख दू तुहाडी कितने माड़ा मोटा बंदा ना समझो आ तुहाडे दुखी तिक्की बंदे जिहड़े कलाकार आ तुहाडे किहड़ा सी जिहदा दे बारे मेरा वीर आ मेरा पुत्र आ मेरा पुत्र मटीली वाला गिल कल मैं इहदी वीडियो वेखी मेरे रोंगटे खड़े हो गए किहड़ा सीगा हाँ जुरत नहीं जी तुहाडी तुहाडे च दम नहीं गा तुसी उहदे सामने खलो जे मट शेरू वाला की कहना चाहुंदा तू गुरिंदर सिंह रंगरेटे नूं दम नहीं गा पुत तुहाडे विच पहलां तां कोई अपना ना विद्वान बंदा उहदे बराबर दा बंदा लभ के लिआओ जिहड़ा उहदे सामने खलोवे उह आउण वाले टाइम ते ना साडा इक बब्बर शेर वीर आ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਟਾਪਾ ਲਾਉਣਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਓ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਐ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੇਅਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ गलत कहें जो हमेशा साड़िया धीं भैनों तुहाडा बाजवा कुत्ता भौंकिया सी तुसी क्यों नहीं भौंके तुसी उदों क्यों तुहाडे मूँह दे विच छोले पा के क्यों नहीं बोलिया तुसी साले साड़िया धीआं भैणां नूं माड़ा कहिंदे जो तुहाडियां धीआं भैणां बाहर जाके की करदियां ओह काले लोकां नाल विआह कराई जांदियां उहनां नूं नहीं रोक सकदे तुसी धीआं भैणां सब दीआं सांझीआं हुंदियां कदर करनी सिख लो ओह साले तेलू राम बाणीए दे नाल उहदी शक्ल मिलदी है जिहड़ा गुरिंदर सिंह रंगरेटा साहब जी दी माता जी बारे साडे ओह पूजनयोग ने माता जी क्योंकि उहनां ने इक बब्बर शेर नूं जन्म दित्ता बिल्कुल उन्होंने एक ऐसा पुत्र पैदा किया है जिहड़ा इन्हां जात अभिमानियों की जड़ पुट के रख दूगा उन्होंने चरणों से सिर झुकदा साडा गुरिंदर सिंह रंगरेटा साहब की माता दे ते मैं एक गल होर कह दिंदा रंगरेटा साहब मैं तुहाडी वीडियो वेखी जिहदे विच तुसी रोए हो रोंदे बुजदिल हुंदे आ ते तुसी इस कौम दे बहुत वड्डे शेर हो बब्बर शेर बब्बर शेर तुहानू कौम ने बब्बर शेर का नाम दिता मैं हमेशा तुहानू कमेंट पाउंदा तुसी बब्बर शेर हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਲਗੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਣਖ ਤੇ ਮਰੀਏ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਉਨੇ ਆ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੇਖੋ
ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਧੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੁੱਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਪੇ ਭੁਮੱਕੜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਦਬਾ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਬਾਜੀਗਰ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਤਸ਼ੱਦਤ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DNA ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਮ ਹੈ ਕਰਾੜ ਹਮ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹਮ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰੋ DNA ਉਹਦਾ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਸਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਡੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਡੇ ਜੱਟਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਹੇ ਦੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਕਾ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦਹਾੜ ਫਿਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣੀਆਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਭਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।